बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी न्यूज़ और मैं हूं आमिर हबीब। बरतानवी पुलिस ने मुसलमानों पर हमले के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसलमानों को सजा दो के उनवान से बरतानिया भर में इश्तियाल अंगेज खत भेजने वाले एक मुश्तबा मुल्ज़िम को बरतानवी काउंटर टेररिज्म पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम की गिरफ्तारी शुमाली बरतानिया के शहर लिंकोलिन से अमल में आई। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने मुल्ज़िम की शनाख्त जाहिर नहीं की, ताहम उसकी उम्र 35 साल है और उससे तफ्तीश जारी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सरबराह मार्टन सनोर्डन ने धमकी आमेज खत की तरसील को बरतानी शहरियों और मुसलमान कम्युनिटी को तकसीम करने की साजिश करार देते हुए कहा कि ऐसे इकदाम का मकसद मुसलमानों के खिलाफ जारियत पर उकसाना था। ऐसे इकदाम का मकसद गैर मुस्लिम को मुसलमानों के खिलाफ जारियत पर उकसाना था, जबकि मुसलमान कम्युनिटी समेत दीगर कम्युनिटीज ने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए नफरत अंगेजी के खिलाफ एक दूसरे की सख्त हिमायत की। वाज़ह रहे कि 3 अप्रैल को मुस्लिम पनिश डे के तौर पर मनाने के लिए बरतानिया भर में इश्तियाल अंगेज खत तकसीम किए गए, जिसमें मुसलमानों को जानी और माली नुकसान पहुंचाने की सूरत में उस हमले की नौइयत के मुताबिक पॉइंट्स रखे गए थे। पब्लिक टीवी न्यूज़ देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आमिर हबीब और ताज़ा तरीन खबरें और प्रोग्राम देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक टीवी मीडिया।